हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस के बारे में, कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने ट्रैवल किया और क्या क्या पॉइंट्स थे जो आपको कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो फाइल है वो 15th of April 2021 को लॉन्च करी गई थी, और मेरा जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है वो मुझे 16th April को रिसीव हो गया था। उसके बाद मैंने वेब फॉर्म भरा और मैं अपने अपॉइंटमेंट की वेट करने लगा, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सेकेंड वेव की वजह से लॉकडाउन लग गया और सारे VFS ने वर्क करना बंद कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आया हुआ है 17 जून को, जब VFS ने अनाउंसमेंट किया कि वो अपनी सर्विसेज रिज्यूम करने वाले हैं मिडनाइट से, तो 12 बजे के बाद मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक करने की ट्राई करी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, साइट क्रैश कर गई। फिर सुबह 4 बजे उठ के मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया और 2 दिन बाद मुझे 6 जुलाई 2021 का अपॉइंटमेंट मिला। 6 जुलाई 2021 को मैं अपने घर से सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके निकला, जिसमें कि कंसेंट फॉर्म, मेरा पासपोर्ट, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर और मेरा कन्फर्मेशन मेल। बट जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में हीट वेव चल रही है, और जब मैं न्यू दिल्ली पहुँचा तो दोपहर के 11:30 बज रहे थे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेट्रो के लिए अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स की लाइन लगी हुई थी और मुझे वहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो मेरा आप सबके लिए एक सजेशन है कि आप सब अपने साथ कैप या फिर कोई कवरिंग ज़रूर लेके आएं, जिससे कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो। उसके अलावा आप अपने साथ रिफ्रेशमेंट लेके चलें, नींबू पानी पीते रहें या जो भी ड्रिंक आप पीना चाहते हैं वो पिएं, बट खुद को रिफ्रेश रखें, हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देन मैं एयरपोर्ट शटल में गया और मेरा नेक्स्ट स्टॉप जो कि शिवाजी स्टेडियम था वहाँ पर उतरा। वहाँ पर जाने के बाद मैं VFS के ऑफिस के बाहर पहुँचा, जहाँ मैंने उनको बताया कि मेरा अपॉइंटमेंट 3 बजे का है। तो उन्होंने बोला कि आप वेटिंग एरिया में वेट करिए। वहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स वेट किया। उसके बाद मैं अपना बायोमेट्रिक कराने के लिए अंदर गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रीमियम सर्विस लेंगे या स्टैंडर्ड लेंगे। तो मैंने उनसे प्रीमियम सर्विस के बेनिफिट्स पूछे, तो उन्होंने बताया कि इसमें 1 वे कुरियर इंक्लूड रहता है और आपको SMS अपडेट मिलते हैं, और एनी हाउ उसने मुझे ये भी बताया कि जो आपका बायोमेट्रिक अपडेट होता है GCQ में वो जल्दी हो जाता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर मैंने ओवरऑल पॉइंट्स को कंसीडर किया और मैंने प्रीमियम सर्विस के लिए ऑप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने बायोमेट्रिक्स दिए, मेरा फ़ोटो हुआ, एंड देन मैं वापस आ गया और फिर मैंने अपनी मेट्रो ली और मैं वापस अपने शहर ग्वालियर के लिए आ गया। जब मैंने शाम को चेक किया तो मेरे GCQ में शाम को 7 बजे तक मेरे बायोमेट्रिक अपडेट हो चुके थे, और उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। देन कल रात मुझे रात को 12 बजे मेरी ईमेल में मेल आया कि आपका स्टेटस जो है GCQ का वो चेंज हुआ है। मैं अंदर जाके चेक किया तो वो करस्पॉन्डेंस लेटर था, मेरा BVL जो था वो आ चुका था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस, और आगे मैं आपको अपनी जर्नी के कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी फर्दर अपडेट आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।